নমস্কার, আজকাল রটিনে আপনাদের স্বাগত। আমি সম্পূর্ণা। আমরা ওয়াংখেড়ের ভেতরে স্টেডিয়ামের ভেতরে পেয়ে গেছি ধরমবীরকে। ধরমবীরকে আমরা যারা খেলা দেখি, ক্রিকেট ভালোবাসি, সবাই চিনি। সচিন টেন্ডুলকার থেকে ধোনি সবাই কিন্তু ধরমবীরকে টিকিট দিত, তাদের থেকে টিকিট নিয়ে ধরমবীর খেলা দেখতে আসত। সচিন নেই, ধোনি নেই, কিন্তু আছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, ওরাও ধরমবীরকে টিকিট দিয়েছে। কালকে কিন্তু স্ট্যান্ডে হাজির থাকবে ধরমবীর। ধরমবীর, ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাল তো ইন্ডিয়া কা ম্যাচ है। हाँ, कल कल आप मतलब मैच देखने आओगे ना? जी जी बिल्कुल, कल मैच देखने आने। कल सेमीफाइनल है, इंडिया का बहुत बड़ा मैच है और हम ये मैच देखने आएंगे और कैसे भी इंडिया के लिए प्रेयर करेंगे, इंडिया मैच जीते। अच्छा, क्या होगा कल, रोहित सेंचुरी मारेगा या कोहली सेंचुरी मारेगा? बिल्कुल, होपली यही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा अपना जो बेस्ट स्ट्रेंथ है, अपना जो ओपनिंग स्ट्रेंथ है, वो अच्छा खेले और कल एक अच्छा स्कोर करे। अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग कर दिए तो 350 रन स्कोर करे और उनको जल्दी से पोजीशन को आउट करने की कोशिश करे। क्या इधर तो आप, हम लोग कोइंसिडेंटली आज के दिन में खड़ा है, आज तो सचिन तेंदुलकर 10 साल पहले इधर पे 14 नवंबर को इधर ही स्टेडियम पे रिटायर हुए थे। जी जी, जी जी, मैं उस मैच में था, 200वां मैच था उनका, 199 वाला मैच कोलकाता में था, उसके बाद यहाँ पे मैच था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, मैं उस था, मेरा विटनेस उस टेस्ट मैच में, मैं सचिन पाजी से मिला भी था। एवरीवन इज क्राइंग, सब लोग रो रहे थे इस स्टेडियम में। सचिन पाजी ने ये भी कहा था कि आप जैसे लोगों की, आप जैसे फैंस की इंडियन टीम को जरूरत है, आप कंटिन्यू इंडियन टीम को फॉलो करते रहिए। कोइंसिडेंटली आज के दिन है, मैं हम खड़ा है 10 साल आगे है, लेकिन आज के दिन तो याद आते हैं, सबको याद आते हैं। बिल्कुल, आज का दिन लाइफ का सबसे वो कहा जाए कि खराब दिन है, अच्छा दिन, लेकिन जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है उसको रिटायर होना ही पड़ता है। उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और होपफुली आगे चल के भी बहुत अच्छी, उन्होंने जो नई जनरेशन के लिए एक मैसेज छोड़ा है क्रिकेट के लिए, उन्होंने कंटिन्यूसली इतना 20-22 ईयर्स क्रिकेट खेला, तो ये बहुत ह्यूज थिंग है कि 22 ईयर्स क्रिकेट खेलना, बहुत उनको, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आज का दिन है और कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, कल सेमीफाइनल खेल रही इंडिया और आई होप कि इंडिया टीम जरूर जीतेगी। और कल सचिन पाजी शायद रहेगा इधर पे। जी जी, तो सचिन के सामने क्या विराट कोहली सचिन को क्रॉस कर पाएगा, 50th सेंचुरी मारेगा? देखिए, विराट पाजी कोशिश कर सकते हैं, उनको क्रॉस कर सकते हैं, पर सचिन सचिन पाजी हैं, विराट विराट है, विराट इज द किंग, कोहली सचिन पाजी इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, तो गॉड ऑफ क्रिकेट रहेंगे। नंबर में कोई भी चेंजेस हो सकता है, कोई भी क्रॉस कर सकता है, बट सचिन पाजी है, इन्होंने क्रिकेट को बहुत आगे बढ़ाया, विराट पाजी उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन विराट भाई एक अलग जनरेशन के बहुत बेहतरीन क्रिकेटर हैं, सचिन पाजी अपनी जनरेशन के बेहतरीन क्रिकेटर थे। होपफुली हम तो चाह रहे थे कोलकाता में ही पास आउट, सॉरी बेंगलोर में पास आउट कर जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली बेंगलोर में वो आउट हो गए 50 रन पे, तो हम चाहेंगे यहाँ पे क्रॉस जरूर करें। थैंक यू सो मच। আমরাও ওরকম চাই, আমরাও চাই যে বিরাট কোহলি কাল সচিন টেন্ডুলকারকে ছুঁয়ে তো আগেই গেছে, ক্রস করে যাক, কিন্তু যেরকম উনি বললেন যে সচিন টেন্ডুলকার বিরাট কোহলি যদি তাকে ক্রসও করে যায়, সচিন সচিনের জায়গাতেই থাকবেন, দুজন দুরকম ক্রিকেটার। তো আসল কথা হলো কি, ক্রস করলো না, আসল কথা হলো নিউজিল্যান্ডের রানকে কাল ভারত টপকাতে পারলো কিনা, এটাই সব মেন, আমাদের সবার নজর ওইদিকেই থাকবে কালকে। আজকাল রটিনের হয়ে সম্পূর্ণ চক্রবর্তী।